तो भाई जैसे ही 9 जनवरी 2023 को YouTube ने अपना शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन लॉन्च किया, उसके बाद हजारों बड़े बड़े शॉर्ट्स के चैनल जिनके मिलियन सब्सक्राइबर थे वो भाई साहब डिलीट कर दिए पूरे के पूरे चैनल YouTube ने। अब खलबली मच हुई है पूरे YouTube पे कि हो क्या रहा है भाई, जैसे ही मोनेटाइज आया है तो चैनल ही डिलीट हो रहा है। आज मैं आपको इसका एक्चुअल रीजन बताऊंगा ताकि आगे से आप ध्यान रखें और आपका कोई भी शॉर्ट चैनल टर्मिनेट ना हो, सस्पेंड ना हो। तो अगर आप एक शॉर्ट क्रिएटर हैं या बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। इसको अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट आपको चैनल पर मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबैट ओनली टेक। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पहले से शॉर्ट चैनल थे, शॉर्ट्स पे फंड भी मिल रहे थे, बहुत मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, चैनल पे सब्सक्राइबर भी मिलियंस में थे। लेकिन जैसे ही 9 जनवरी 2023 को YouTube ने शॉर्ट मोनेटाइजेशन लॉन्च किया, उसके बाद बहुत सारे चैनल डिलीट कर रहा है YouTube। क्यों कर रहा है बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी कभी बताया था कि जो लॉन्ग वीडियो है YouTube की, वहां पर काफी सारी गाइडलाइंस होती है। अब इसमें जो मेन गाइडलाइन है ना, वो है कम्युनिटी गाइडलाइन। जो एक कम्युनिटी गाइडलाइन है, इसको अगर आप लॉन्ग वीडियो में कहीं भी वायलेट करते हो तो होता क्या है कि आपका चैनल या तो जो वीडियो है उसको उड़ा दिया जाता है, और आप बहुत सारी वीडियो में करते हो तो आपका चैनल उड़ा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे आप मोनेटाइजेशन का बेनिफिट ले रहे हो। अभी तक शॉर्ट मोनेटाइज नहीं था, लेकिन जैसे ही शॉर्ट मोनेटाइज हुए वो सारे के सारे रूल लागू हो गए शॉर्ट्स पर। तो जो भी चैनल डिलीट हो रहे हैं वो बेसिकली कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं। कैसे कैसे कर रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है, वो समझाऊंगा। क्या होता है कि शॉर्ट्स आप बना रहे हो, बहुत जल्दी वायरल भी हो रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आ रहे हैं, लेकिन आप क्या लगातार शॉर्ट्स बनाए जा रहे हो और मल्टीपल वीडियोस में आपने कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट किया। अब आप कहोगे मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो वायलेट किया नहीं, क्योंकि आपको उस पॉलिसी की समझ नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि आने वाले टाइम में अपडेट आ रहा है, आपको यह भी बताया जाएगा कि कहां पे आपने गलती की है। बट बेसिकली आपने बहुत सारी मल्टीपल शॉर्ट्स में कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट कर दिया, इसलिए आपको स्ट्राइक देने के बजाय सीधा चैनल को ही उड़ा दिया, क्योंकि अब भाई अब शॉर्ट्स मोनेटाइज होंगे तो रूल यहां पे लागू होंगे। अब कैसे कैसे आप वो गलतियां करते हो उसको समझा देता हूं। देखिए, आप शॉर्ट्स में क्या कुछ भी बना देते हो तो कई बार शॉर्ट्स में कोई एक्सीडेंट आपने दिखाया, कोई सेंसिटिव चीज आपने दिखा दी, या कोई ऐसी चीज दिखा दी जो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, पहली बात तो ये। दूसरा, कुछ ऐसे भी क्रिएटर हैं जो शॉर्ट पर भी स्पॉन्सरशिप कर देते हैं, उसमें रमी एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, कोई बैटिंग एप्लीकेशन के बारे में बता दिया। अब ये जो चीजें है ना, ये यूट्यूब पे अलाउ नहीं है, इसमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने का खतरा रहता है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लूप में कर रहे हो, बार बार वीडियोज में कर रहे हो, तो इसलिए आपके चैनल डिलीट हो रहे हैं मोनेटाइज के बाद। तो अब ध्यान रखें, कोई भी शॉर्ट्स क्रिएटर अगर बनना चाहता है तो अब उसको कम्युनिटी गाइडलाइन को पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके वो अपने शॉर्ट्स के चैनल को बचा के रख सकता है, वरना यूट्यूब उसके चैनल को उड़ा देगा, क्योंकि अब शॉर्ट्स मोनेटाइज होने लग गए हैं। अब अगर आप समझना चाहते हो कि कम्युनिटी गाइडलाइन कौन कौन सी है, पूरा डीप में आपको समझना है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, मैं एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक पॉलिसी को मैं बारीकी से समझा भी सकता हूं। बट एक्चुअल में मेन रीजन यही है। या फिर क्या करते हैं कुछ लोग, शॉर्ट्स में कीवर्ड स्टफिंग भी करते हैं, वो भी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। तो बेसिकली जो मेन कारण है वो कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करना ही है, इसीलिए चैनल डिलीट हो रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, कोई शॉर्ट्स क्रिएटर है उसको भी भाई शेयर करो, कहीं वो भी गलती कर रहा हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता है वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।